कैन आई गेट अ शेविंग की प्लीज? मिया, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। फाइव स्टार होटल जैसा बाथरूम विद हिंदवेयर इटालियन कलेक्शन। बॉम्बूफ्लैट विम्बरलीगंज मनार घाट होते हुए जो रास्ता शोलबे की तरफ जाता है, वहीं पे एक रास्ता अगर आप दाईं तरफ मुड़ते हो तो आप पहुंचते हो मनार घाट, डंपी की आड़ी से कहा जाता है उसकी ओर। देखिए कितने खूबसूरत जगह पे इसको बनाया गया है। यकीन मानिए इस डंप यार्ड से अगर आप आगे की तरफ बढ़ते जाओगे तो इतना सुंदर लगेगा आपको, एक आवाज़ नहीं सिर्फ बीच बीच में चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ आती है और इतनी शांति चारों तरफ से आप जो हो प्रकृति से घिरे हुए हो। ये एक डेफिनेटली बहुत सुंदर पिकनिक स्पॉट बन सकता है अगर इसको थोड़ा सा डेवलप किया जाए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा डेवलपमेंट डेफिनेटली नेचर को अफेक्ट करती है। बस जैसे रास्तों को अच्छा कर दिया जाए, थोड़ा और साफ़ सुथरा रखा जाए, जगह जगह पे बैठने उठने के लिए प्लेसेस बनाया जाए तो आई एम श्योर दिस प्लेस इज गोना ब्लूम। और ये टूरिज्म के लिए यहाँ एक नज़ारा यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए कितना मनमोहक है। जैसे ही आप इस रास्ते में आगे बढ़ते हो अचानक से बाई साइड आपको ये नज़ारा देखने को मिलता है। ऐसे नज़ारे के लिए आज हम तरसते हैं, क्योंकि जब डेवलपमेंट होता है तो इन जंगलों को काटा जाएगा, इन पेड़ों को काटा जाएगा और फिर यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेगी, इमारतें बनेगी, तब ये जो प्लांटेशंस आपको दिख रहे हैं ये नहीं रहेंगे यहाँ पे। ये जो सुंदर बहती हुई नदी है ये नज़ारा आपको देखने नहीं मिलेगा, इसको साइड से कॉन्क्रीट करके कवर कर दिया जाएगा। ये खूबसूरती आपको देखने को नहीं मिलेगी। मनार घाट पंचायत के तहत आती ये जो एरिया है ये बहुत ही खूबसूरत है। हम तो डेफिनेटली चाहेंगे कि हमारी जो प्रशासन है, जिला अध्यक्ष सर है, इस पर ज़रूर गौर करें और इस जगह को डेवलप करने के लिए ज़रूर कोई ना कोई निर्णय ले। जस्ट एक बार आप इन नज़ारों को देखिए, आप कैमरे में देख रहे हो, यकीन मानिए अगर आप आओगे तो इन घने जंगलों के बीच जब आपको यह दिखाई देगा आप सन्न से रह जाओगे खुशी के मारे। हमारे ही अंडमान निकोबार में बहुत करीब ही है हमसे, मगर बस हम जानते नहीं इस बारे में। आप यहाँ आओगे बिल्कुल एकदम पिकनिक के लिए परफेक्ट जगह है। यहाँ की हवा इतनी शुद्ध है कि आपको एक अलग सा ही फीलिंग आएगा अगर आप इन जगहों पर पैदल चलोगे, इन जगहों पर घूमोगे। तो कुछ लोग भी रहते हैं यहाँ अंदर, एकाध घर हमें अभी दिखाई दिए हैं। तकरीबन 6 परिवार रहते हैं और यकीन मानिए इनका जीवन कितना स्वस्थ होगा जो इस सुंदर माहौल में रहते हैं। इन्होंने इस नाले तक जाने के लिए एक रास्ता भी बनाया है अपना टेम्प्ररी। देखिए कितना सुंदर है ये रास्ता जो पूरे पानी तक जाता है और इस स्वच्छ पानी में वे अपने बहुत सारे काम निपटा लेते हैं, धोना हो, नहाना हो, हर चीज़ यहाँ पे मुमकिन है। और पानी की जो क्वालिटी है ये द बेस्ट हम कह सकते हैं, और नज़ारा और प्रकृति इसकी तो फिर एक अलग ही बात है। इस रास्ते में देखिए कुछ अगल बगल के लड़के भी हैं जो अभी अभी हमने उनसे बात करने के लिए उनको रुकवाया। भाई भाई आप लोग कहाँ जा रहे हो? गुसल करने? क्यों, ये जगह अच्छा है? अच्छा है, बोला देखने जा रहे हैं, पहला बार जा रहे हैं। अच्छा आप लोग भी पहला बार जा रहे हो? आप पहला बार? ये पूरा रास्ता कैसा लगा आप लोगों को? बढ़िया। अच्छा लगा?
मेन सिटी से एकदम हटकर है ना, कितना सुकून है, शांति है, राइट? अक्सर जाते हो आप लोग यहाँ पे? अक्सर जाते हो? बाकी लोग आपके जो गांव वाले हैं वो सब? वेरी गुड, ओके, एंजॉय योर ट्रिप। अभी हमें जानकी देवी जी ने बताया कि यहाँ मुख्य रास्ते से जब आप डैम की तरफ, चेक डैम की तरफ जाते हो, वो डंप यार्ड को रास्ते को पार करते हुए, तो यहाँ पे मात्र सिर्फ 6 परिवार रहते हैं और ये इनकी अपनी निजी संपत्ति है और इसके अलावा यहाँ पे और कोई नहीं रहता है। तो अगर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होती है आपको, कोई चीज़ की कमी है, आपको आराम करना हो या पानी वगैरह लेना हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो परिवार है ये इसके लिए इनको इसमें कोई एतराज होगा, क्योंकि वैसे भी अंडमान के लोग जो है बहुत मिलनसार होते हैं, बहुत मददगार होते हैं। देखिए अब हम जो है चेक डैम के काफी करीब आ चुके हैं, यहाँ पर भी दो फैमिली रहती है। अब हम जो है ये मनार घाट चेक डैम के काफी करीब आ चुके हैं एंड आप देख सकते हो इसे काला टांग भी कहा जाता है एंड यहाँ पे ये उसका पंप हाउस है। मुझे पूरा यकीन है कि जो लोग यहाँ पर आए हैं उनको मैं किस एहसास की बात कर रहा हूँ वे लोग उसे समझ सकते हैं, मगर जो लोग नहीं आए हैं यकीन मानिए आप एक बहुत सुंदर नज़ारा अंडमान में मिस कर रहे हो। आप लोगों को मनार घाट चेक डैम एक बार ज़रूर आना चाहिए और देखिए यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को। मात्र 6 परिवार यहाँ पर रहती है और इस पूरे जंगल के बीच में ये मीठे पानी का जो सोर्स है, गर्मी हो सर्दी हो यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे पानी की कमी नहीं होती और इसी चेक डैम से है जो है इस पूरे समस्त इलाके को बम्बू फ्लड तक कहा जाता है कि पानी दिया जाता है। देखिए आप ये छोटा सा एक चेक डैम बना रखा है पंप हाउस भी बनाया हुआ है। इतने सुंदर जगह पे जब आप आते हो और वहाँ पे ऐसे प्लास्टिक पड़े हुए देखते हो तो आपके दिल में भी आएगा कि इसको गंदा नहीं होना चाहिए, तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया कि इसके अगल बगल जितने भी कचरे हैं उनको हम, खासकर प्लास्टिक जो हैं उनको हम उठा के कोई जो रास्ते में जो डंपिंग यार्ड है वहाँ पर हम फेंक देंगे। इसी से सटा हुआ थोड़ी दूर अगर आप आगे जाते हो तो आपको एक वसुधा वंदन अमृत वाटिका नाम का एक एरिया दिखाई देगा जहाँ पे एक बहुत सुंदर झील भी है। पीछे आप देख सकते हो जो 12 अगस्त 2023 को ग्राम पंचायत मनारघाट में इसका उद्घाटन हुआ था मेरी माटी मेरे देश के तहत। और यहाँ पे बोर्ड भी देख सकते हो, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर इस बोर्ड को लगाया गया था और तमाम जो मेंबर्स हैं उनके नाम है यहाँ पे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक मैसेज भी लिखा हुआ है, टू लिव फॉर द मदरलैंड ईच डे एवरी मोमेंट ऑफ टाइम एंड एवरी पार्टिकल ऑफ लाइफ विल बी आवर ट्रू ट्रिब्यूट टू द फ्रीडम फाइटर्स। ये देखा जाए तो एक जो हमारे आज़ादी के जो वीर जवान हैं उनकी याद में इस पत्थर को यहाँ पे रखा गया है। उसी से थोड़ी दूर अगर आप आगे जाते हो तो यहाँ पे एक रिंग बेल है, यहाँ पे दो चेक वायर है और पंप हाउस है जिसको कालाटांग नाला भी कहा जाता है और ये RCD और APWD विम्बलीगंज के अंदर आता है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है इसकी अगल बगल, एक बहुत बड़ा रिंग वेल यहाँ पे बनाया गया है देखिए। और अगर आप
यहाँ पर आओगे तो आपको एकदम यकीन मानिए आपको प्रकृति से मानो प्यार हो जाएगा। इतना सुंदर एक नाला और पानी भी एकदम साफ स्वच्छ। इन घने जंगलों के बीचों बीच बहती ये नदी इतना मनमोहक बना देता है कि यकीन मानिए अगर आप यहाँ पर आओगे तो आप लोग आपको जो है प्रकृति का एकदम असली आनंद आने वाला है। पोर्टब्लेयर शहर में तितलियां देखने को मिलती है, लेकिन जब आप मनारघाट चेक डैम के पास जाते हैं तो इस पूरे रास्ते में आपको कई जगह पे ऐसी अनेकों प्रकार की तितलियां मिलती हैं। तो अब हम वापस जा रहे हैं कालाटांग चेक डैम मनारघाट पंचायत से मुख्य रास्ते की तरफ। हमें पूरा यकीन है कि आप लोगों को ये छोटा सा सफर हमने आप लोगों को दिखाया बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप भी इस जगह पर आना चाहते हैं तो बिल्कुल भी तकलीफ़ वाली बात नहीं है। आप बाय रोड आप आ सकते हो, कबड्डीन बाज़ार, भातु बस्ती, धनी खाड़ी, चौलदारी, कृष्णाबाद जंक्शन, फरारगंज होते हुए उस रास्ते से विम्बरलीगंज होते हुए मनारघाट की तरफ आ सकते हो, और या तो फिर आप अबडीन बाज़ार से जो है बोट के रास्ते बम्बू फ्लैट पार करके स्टुअर्टगंज विम्बरलीगंज होते हुए इस रास्ते पर आ सकते हो। बहुत ही आसान है और इस सुंदर से जगह का पूरा आनंद उठा सकते हो। यकीन मानिए हम जो कह रहे हैं वो 100% सही है। आप जब यहाँ पर आओगे तो आप इसे 10 out of 10 रैंकिंग ज़रूर दोगे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामिन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।